दुनिया छोड़ने वाले दुनिया वालों से कहते हैं, क्या कहते हैं सुने, मुझे देखकर अफसोस मत करो, मुझे देखकर मत रो, क्योंकि तुम्हारा भी यही हश्र होने वाला है कि नहीं। तुम्हें भी एक दिन ऐसे ही सजाया जाएगा, कंधे पे उठाया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा। वो कहता है कि ये न पूछो किधर जा रहा हो, ये न पूछो किधर जा रहा हो, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। जो रोने वालों से कहते हैं और आपस में जो रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं, वो कहते हैं उनसे के दोस्त तो अपना सो बहाना, दोस्त तो इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए ये न समझो ये न समझो पर जा रहा हूँ, ये न समझो पर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद आपकी वो ताकत छीन ली जाती है कि नहीं, आप लाचार मजबूर हो जाएंगे, हम भी और आपका भी वही हाल होने वाला है, और वहां जाके पछताएंगे और कहेंगे हाँ पास में रेल लगी सोन चांदी, हाथ में देंगे तो पास में रेल लगी सोन चांदी, हाथ में देंगे तो एक वालिद का गुजरना, एक बाप का गुजरना, एक माँ जब दुनिया छोड़ जाती है, बेटे जितनी भी दौलतें इकट्ठे कर ले माँ बाप के सामने सारी दौलतें बेकार है कि नहीं, क्योंकि माँ बाप ऐसी दौलत जो एक बार खो जाए फिर दोबारा उसे मिलने वाली नहीं है। समाज कर ले वो बाप कब्र में जाता है और क्या कहता है अपने औलादों से, अपने रिश्तेदारों से, वो क्या कहते हैं सुनिएगा, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, सुनिएगा। वो दुनिया छोड़ने वाला अपने औलादों से कह जाते हैं कि दफन करके मुझे मत भुलाना, क्योंकि वहां जाके इंसान मजबूर हो जाता है, फिर उसे नेकी कमाने की कोई जगह नहीं मिलती है। सुने मोहब्बत के साथ कि दफन करके मुझे मत भुलाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, सुन लखते जिगर जा रहा हूँ, सुन लखते जिगर जा रहा हूँ, सुन लखते जिगर जा रहा हूँ, सुन लखते आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं